के सारे रूप दिखाती है, माँ दुर्गा के रूप दिखाती है, इसलिए कि इसने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। और चूंकि उसने बहुत स्ट्रगल किया है, कोई लीनियज से नहीं आई है, किसी के फिल्मी बाप की बेटी नहीं थी, इसने जो स्ट्रगल किया है वो बहुत रॉ है। और वो हमेशा ये बहुत प्रेरित करती है लोगों को कि दैट इफ़ यू हैव अ पैशन यू मस्ट फॉलो इट, ड्रीम इट। उसको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, जब से वो छोटी छोटी पूजा करती थी अपने घर पे और इतने लोगों को वो बुला लेती थी, हमेशा माँ की तरह खाना खिलाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा खाना खिलाती थी, लोगों को प्यार देती थी। सिंगर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस हमेशा उसके घर में रहते थे। जैसे अगर एक किसी आर्टिस्ट को देखो, यही तो एक गुण होते हैं कि वो आर्टिस्ट जो है उसके घर में आसपास उसके कौन है। सो शी इज़ ऑलवेज विद पीपल हु आर थिंकिंग, पीपल हु आर परफॉर्मिंग, पीपल हु आर सिंगिंग। और बहुत ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी उसके बड़े अच्छे हैं कि पूजा में भी अगर करो तो ये फर्स्ट उसका एक प्रोडक्शन हाउस एक तरह से है, एक क्रिएटिव कनेक्शन करके चीज़ें की है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत साल से मैं भी मिशन है करना चाहिए, अच्छा बुरा इसको नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, यू शुड जस्ट गो अहेड, एंड शी इज अ प्रूफ ऑफ दैट। यू नो, आई थिंक इट्स टुडेज फॉर्मेट एंड दैट इज बीइंग प्रूवन वर्ल्ड वाइड, बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स आर बिकमिंग अ फेस्टिवल इन देमसेल्व्स। So in our times, like 30-35 years ago, we never heard of short films. They were very rare, and it was a so happy and so proud of her, and I really, really, because her journey has been not easy, it's a very tough journey, and to survive in Bombay, you know, akeli, and this big bad world of Bollywood, which we all know, it is tough, and she's come out of it, and we've been associated, especially my NGO, the Om Puri Foundation, so all support always with her. Good wishes, and I'm really looking forward to the films, because just now abhi Sushmita Mukherjee ne, she has seen the film aur unhone bataya ki it's very nice, and she's also acted well, so which is the first time, you know, so I'm looking forward to it. शोमो के साथ एसोसिएशन बहुत पुरानी है, और हम सब एक्चुअली एक ग्रुप है, एक हम लोग दुर्गा पूजा गैंग है, नंदिता दी, मैं, शोमो, शोमो के साथ जुड़े हुए सारे मुखर्जी फैमिली एंड एवरीबॉडी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक शी इज़ वेरी टैलेंटेड, और एक जैसे नंदिता जी ने कहा कि एक औरत के लिए फिल्म का डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, ये सारी चीज़ें एक साथ करना, तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ शोमो। शोमो के साथ पुराना है, टाइम हुआ था ऋतुपर्णा सेन गुप्ता के लिए, और हमारे बीच में कॉमन जोक है जो हम पॉपुलरली शेयर नहीं कर सकते, मेरे वजह से ऑलमोस्ट शोमो मरने वाली थी, ये कहानी किसी और दिन बताएंगे हम कि कैसे मरने वाली थी और क्या हुआ था, बट बहुत ही हंसी मजाक का एक रिलेशन बना मेरा और शोमो का। इनके घर में पूजा, इनके घर की सारी जो गणपति करते हैं या दुर्गा पूजा करते हैं या जन्माष्टमी करते हैं, बहुत बड़े से लोकनाथ बाबा का कलकत्ता में पूजा करते हैं, तो सारे भगवान का आशीर्वाद, सारे बड़ों का आशीर्वाद,
ये सबको श्रद्धा करते हैं, प्यार करते हैं, तो इट्स द फाइनल आउटपुट, फाइनल रिजल्ट इज द मूवी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच चोर एंड पॉकेटमार एंड सुंदरी कोमला, एक साथ तीनों चीज. हमेशा ही न्यू कमर टैलेंट के साथ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो खुद न्यू कमर रह चुकी हूँ. आज भी मैं अपने आप को हर रोज़ मानती हूँ, एक लर्नर हूँ, क्यों रोज़ सीखती हूँ. और क्या तकलीफ़ होती है एक नए कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए, तो मुझे पता है. तो इसलिए मैं, जैसे मैं स्टार के साथ भी काम करना पसंद करती हूँ, मुझे सब लोगों ने ये बोला था जी शॉर्ट फिल्म इतने स्टार्स के साथ, बिकॉज मुझे हर चीज़ एक एक अच्छा चाहिए. बट जैसे स्टार के साथ है, आपने चोर में जो बच्चे की रोल किया है, डॉटर की रोल, चोर, वो न्यू कमर है, तो मैंने न्यू कमर को ज़रूर कहीं ना कहीं पे चांस दिया है. और पोलोमी इज़ नॉट ए न्यू कमर एक्चुअली, शी इज़ फ्रॉम वॉइस ऑफ इंडिया एंड शी डिड सुरोका संगम दबंग एंड शी डज मेनी शोज, कॉन्सर्ट विथ उदित नारायण एंड ऑल. बट टिल, हाँ, वीडियो इनकी फर्स्ट है, क्योंकि शायद ये आगे बहुत डायरेक्टर के साथ काम करे और भी अच्छे काम करे, बट शुरुआत मैंने उनके साथ ऐसे ही बैठे बैठे एक बातचीत हुआ जी कुछ करते हैं कर रहे. और इन्होंने अभी हाल ही ये जो बंगाली देखा है, ये ऑलरेडी कलकत्ता में हिट है, जी टी वी में आने की प्लानिंग है. और हम लोग ऑलरेडी हिंदी गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं, हिंदी एल्बम बहुत जल्दी शुरू करेंगे. हमारे दोस्त है डीजे शेजू, उसके साथ भी हमारे एक एल्बम प्लानिंग में है, क्योंकि हम हमेशा सोच के रखते हैं कब कैसे किसके साथ क्या करना है, वही करते हैं. जब वो वक्त कब आएगा हमें पता नहीं है, बट करेंगे ज़रूर. I mean, she is, of course, like, you know, she has a Midas touch, I would say that. और ऐसा है कि मतलब हम लोग तो जस्ट प्लान कर रहे थे कवर सॉन्ग बनाएंगे, और वहाँ से शोमोदी ने पूछा क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि गाना बनाएंगे. तो उन्होंने बोला तू बंगाली है, बंगाली गाना क्यों नहीं बनाती है, सो लेट्स मेक समथिंग लाइक दिस. सो दैट्स हाउ सुंदरी कोमला स्टार्टेड. सो ऑब्वियसली, और इतने कम टाइम में, एक दिन में शूट हुआ था ये गाना. And we thought like it was me, like in front of camera singing was okay for me, singing is good for me, but in front of camera acting was like okay. वो डंडा पड़ा था मेरी बहुत, और बहुत टफ था. दो दिन का गाना बांग्लादेश, फिर वो नहीं हुआ. आपको पता ही है शूटिंग के लिए बहुत कुछ हसल लेके भी अल्टीमेटली आउटकम अच्छा देना पड़ेगा, कोई उसके पीछे क्या कहानी है नहीं. पॉकेटमार पिक पॉकेट जो है वो, उनकी कास्ट आज हमारे साथ नहीं है, वो लोग सारे कलकत्ता में है. उनकी म्यूजिक जो किया है वो हमारे साथ आने वाले थे, बट समाउ ही मिस द फ्लाइट फ्रॉम कलकत्ता. उनका भी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म है, नहीं करते, वो बहुत रिनाउंड है, समित मुखर्जी, समित अनूर भी. और उनकी इतनी मतलब गुड लक है, हमारे फिल्म किया है, और वो बहुत दिन के साथ भाट साहब के साथ उनका काम करने का प्लान था, एंड नाउ ही इज़ डूइंग अ सरक टू. तो इट इज़ माई एक्चुअली, मेरा भी हमारे भी प्रोजेक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है. और हमारे प्रोजेक्ट में सोनाली और विप्लव फिल्मों में हमें स्टोरी में सारे राइटिंग में हेल्प किया. ही इज़ ही डन मेनी सॉन्ग्स फॉर अरिजीत सिंह, आसिफ किथू एंड ऑल लिरिसिस्ट. तो खुद भी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है. और बाकी जो पूरी स्टार कास्ट और आउटडोर शूट और पॉकेटमार में भी आपने देखा जो कहानी है मैंने दिखाया, ये भी पूरी फिल्म की कहानी. अभी कोशिश चल रही है, कुछ लोगों ने मुझे अभी ऑफर कर रहे हैं इसको फिल्म बना सकते या स्टोरी दे दो. आई डोंट नो वेयर इज गोइंग. अभी किसी ने पूछा आपने सब कुछ तो किया बट पैसा कैसे आएगा सोचा, मैंने बोला यहाँ भी आएंगे, हमने सोचा नहीं था. तो पैसे के बारे में भी नहीं सोचा, अगर ईश्वर ने इतना तक लाए हैं तो आगे भी शायद वो भी वही रास्ता दिखाएंगे. और ये पॉकेटमार अभी चौथा फेस्टिवल में सेलेक्टेड